काफी यहाँ से हाइट ऊपर है, ऊंचा है बिल्कुल। मेरे घर का सीन है जो अभी हाल फिलहाल नया नया बन रहा है। Hey guys, welcome back to my new video, दोस्तों। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो कहीं आउटडोर का नहीं होगा, वो इंडोर का होगा, मेरे घर के पास का होगा। मैं भी अपने घर के छत पे हूँ और यहाँ का लोकेशन मेरे छत के ऊपर से कैसा दिखता है मैं वो आपको दिखाऊंगा। और ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे घर के कैंपस के अंदर एक पानी टंकी लगा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं भी चढ़ूंगा और उसके बाद यहाँ का व्यू कैसा दिखता है पूरे गांव का मैं आपको वो दिखाऊंगा। इस टंकी पे चढ़ने के लिए नीचे से एक सीढ़ी दिया गया है जो कि उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो छत है वो इसके जस्ट सटा हुआ है, थोड़ा सा डिस्टेंस में है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ये सामने वाले लोहे पे चढ़ूंगा, उसके बाद फिर वहां से ऊपर चढ़ूंगा। तो ये रिस्क आप लोग बिल्कुल ना लें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये खतरे से भरा ये है। तो चलिए चलते हैं अब सीधा पानी टंकी के ऊपर। फाइनली पानी टंकी के ऊपर चढ़ चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं काफी यहाँ से हाइट ऊपर है, ऊंचा है बिल्कुल। और यहाँ से मेरे गांव का जो व्यू है मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये मेरे घर का सीन है जो अभी हाल फिलहाल नया नया बन रहा है। अच्छा, तो ढलाई हो चुका है, ऊपर से एलिवेटर देना बाकी है, ऊपर एक रूम अभी कम्प्लीट नहीं हो रखा है, तो ये हो गया इधर का साइड। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा लुक इसका। मेरे घर से सटा हुआ मेन रास्ता है जो चौक की तरफ जाता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये आगे जाके चौक के पास मिलता है और यही रास्ता इधर खेतों की तरफ निकलता है जो पीछे मिडिल स्कूल है। बाकी ये मेरा पुराना वाला घर, ये एल्वेस्टर का जो भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेरा कार लगा हुआ है पेड़ के नीचे धूप से थोड़ा सा बच के। पीछे के साइड चलते हैं और इधर का देखते हैं कैसा आ रहा है। मेरे घर के चारों तरफ पेड़ पौधे की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं काफी जबरदस्त है और रहना भी चाहिए। वायुमंडल बिल्कुल साफ सुरक्षित, इस नेचर के गोद में हम लोग हैं। और ये अपना घर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा घर का जो लोकेशन है यहाँ से जो कैसा दिखता है। और अभी शाम का टाइम है, सूर्य अस्त होने को चला है। ये हमारे घर के बिल्कुल पश्चिम पड़ता है और ये बिल्कुल पूरब, पूरब पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण। ये जो मेरे घर के जो पीछे एक रास्ता है वो चौक पे वो भी जाता है, और इस रास्ते में जो आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पे बच्चा दौड़ रहा है, इस रास्ते में वो मिल जाता है और पीछे ये चला जाता है खेतों की तरफ, चौर की तरफ, जो जहाँ की रास्ते के बीच में ही मिडिल स्कूल और हाई स्कूल पड़ता है। और आप देख सकते हैं मेरे घर के पास ही जस्ट 3 टावर लगा हुआ है, तीनों ही वर्क करता है बिल्कुल अच्छे से, नेटवर्क का इशू यहाँ पे बहुत कम ही देखने को मिलता है। और ये पेड़ दिख रहा है जो तार का पेड़ है जो आगे से ये दिख रहा है जो टूट गया है, इसके अंदर बहुत सारे पक्षी यहाँ पे रहते थे, मैंने बहुत सारा पक्षी का घर देखा है बदलते बदलते, बहुत ढंग के पक्षी आए यहाँ पे रहे फिर निकल गए। काफी तेज आंधी तूफान जब आता है तो ये बहुत तेज से हिलने लगता है, इसके कारण डर भी लगता है कि ऊपर का भाग इसका टूट के गिर ना जाए, तो थोड़ा सा दिक्कत तो है, इसको कटवाना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। और यहाँ का लोकेशन मैं ये दिखा रहा हूँ जो मेरे घर के आगे का जो रास्ता है वहां से ये बिल्कुल फ्रंट मेरा घर, शायद नीचे से अच्छे से मैं दिखा पाऊंगा, फिलहाल यहाँ से मैं जो ही दिख पाता है मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरा आगे का व्यू है मेरे घर का। कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने घर के अंदर का पूरा दिखाऊंगा कि कितना रूम है, कैसे बना है,
बिल्कुल उसका अभी कुछ सिर्फ अंदर में ढलाई नीचे हो रखा है, छत ढलाई हो रखा है, बाकी ना प्लास्टर हुआ है ना कोई गेट लगा है, कुछ भी काम नहीं हुआ है, सारा काम बचा हुआ है। लेकिन उसका वीडियो पूरा अच्छे ढंग से मैं आपको एक प्रॉपर बना के दिखाऊंगा। तो ये यहाँ से व्यू कैसा लगा आप लोग को ये कमेंट करके जरूर बताएं। ये बीरपुर प्रखंड के जगदर पंचायत का गाँव है जो मेरा जन्मस्थल है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ही जाएं, कमेंट करें, और जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। आज फिलहाल कहीं बाहर निकले नहीं तो इस वजह से गांव का ही वीडियो बना लिए। फिर कभी कहीं बाहर निकलते हैं बिहार टूर में, कहीं भी किसी भी जिला में, तो मैं आपको वो अच्छे से दिखाऊंगा हर एक चीज। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा बाय बाय।